तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज लश के वोली वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में ना ही कोई विलेजेस है, ना ही कोई एनिमल स्पॉन होते हैं और ट्रीज का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और इसी चीज को और डिफिकल्ट बनाने के लिए हम लोग ये 100 डेज हार्ड कोर में सरवाइव करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखना जाने के लिए कि क्या हम सरवाइव कर पाए 100 डेज इन लश के वोली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्ड कोर। सो डे 1 को हम लोग इस वर्ल्ड पे स्पॉन हुए थे और चारों तरफ बस लश केव था और अपनी इन्वेंट्री भी पूरी खाली थी। तो जैसे कि अपने पास करने के लिए कुछ नहीं था तो हम लोग चले गए थोड़े बहुत जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर हमें एक छोटा सा केव मिला जहाँ पे बहुत सारे ग्लो बेरीज थे, तो जल्दी से हमने उनको कलेक्ट कर लिया क्योंकि भाई इस वर्ल्ड में खाना मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। फिर 5 ग्लो बेरीज कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत डर्ट एंड ब्लॉक्स कलेक्ट करने के लिए क्योंकि भाई इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा मॉब स्पॉन होते हैं और उनसे बचने के लिए हम लोग को भाई ब्लॉक्स तो चाहिए। तो थोड़ी देर बाद रात हो गई थी और काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे जो हमें मारना चाहते थे, तो भाई कैसे भी करके हमने सारे मॉब्स को मारा और चले गए एक सेफ जगह के लिए। और भाई इस वर्ल्ड में नॉर्मल वर्ल्ड से 2 गुना ज़्यादा मॉब स्पॉन होते हैं, मतलब 2 गुना ज़्यादा खतरा। तो हमने जल्दी से अपने आप को कवर कर लिया डर्ट से और डे 1 हम लोग का ऐसे ही ख़त्म हो गया था। तो डे 2 हो चुका था और हमने जल्दी से डर्ट को तोड़ा और चले गए थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए, और बहुत सारे मॉब्स मरे थे तो उनका लूट कलेक्ट करने के लिए। और हमें एक स्केलेटन भी मिला जिसने एक बोन ड्रॉप किया था जिससे हम लोग को मिल गया 3 बोन मील एंड अब हम लोग शायद ट्री ग्रो कर सकते हैं। देन हमने एक सैपलिंग के ऊपर सारे बोन मील खत्म कर दिए लेकिन भाई ट्री ही ग्रो नहीं हुआ और ये हम लोग के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था। तो हम थके हारे चले गए थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए दोबारा, बट इस बार काफ़ी डिफरेंट था क्योंकि इस बार हमें स्पॉट हुआ एक अजेलिया का ट्री। भाई अगर आपको नहीं पता तो लश के ओनली वर्ल्ड में अजेलिया का एक ट्री स्पॉट होना काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, बट इस बार लक अपने साथ था क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्री था ये। तो हमने जल्दी से सारे वुड को कलेक्ट कर लिया एंड एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया और सारे एसेंशियल टूल्स बना लिए जो कि हम लोग को ज़रूरत पड़ेंगे एंड एक बहुत ही अजीब सा चीज़ बनाया जो कि है कॉम्पोस्टर। अब हमने ये कॉम्पोस्टर इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉस ब्लॉक मिलते हैं जिससे हम लोग बहुत सारे बोन मिल बना सकते हैं। तो अपना 100 लेवल IQ लगाने के बाद हम लोग के पास बहुत सारे बोन मिल आ चुके थे जिससे हम लोगों ने काफ़ी सारे पेड़ को उगाया और बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लिए। तो अब फाइनली अपने पास काफ़ी सारा वुड भी था एंड सारे वुडन टूल्स है जो कि हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाले हैं एंड अपना नेक्स्ट एम था कॉबलस्टोन के टूल्स बनाना और थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट करना। तो हम चले गए अपने पास वाले केव में एंड काफ़ी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिए। इनफ कॉबलस्टोन होने के बाद हमने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए और उसके बाद हम लोग चले गए काफ़ी सारे आयरन एंड कोल कलेक्ट करने। एंड फाइनली अपने पास काफ़ी सारे आयरन थे जिसको हमने जल्दी से स्मेल्ट करने के लिए दे दिया एंड उसके बाद हमने थोड़े बहुत टॉर्चेस भी बना लिए। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग का सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था जिससे हमने आयरन के टूल्स बना लिए जैसे कि एक पिकैक्स एंड एक शील्ड। एंड मैंने पिकैक्स एंड शील्ड भाई को भी दे दिया और अब अपना टारगेट था एक ऐसा एरिया ढूंढना जहाँ पे हम लोग अपना बेस बना सकते हैं। तो काफ़ी देर मॉब्स के साथ फाइट करने के बाद और एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग को एक ऐसा जगह मिल गया जहाँ पे हम लोग अपना बेस बना सकते हैं। तो इसके बाद हमने जल्दी से उस एरिया को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। सो फाइनली अपना बेस बन गया, यहाँ पे रेडी हो चुका था और भाई ये बेस बहुत ज़्यादा कूल था क्योंकि भाई पूरा लाइट अप है और यहाँ पे हम लोग अपना पेड़ भी लगा सकते हैं। तो हम लोग चले गए यहाँ पे थोड़े बहुत प्लांटिंग करने के लिए, बट वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ हुआ। एक स्केलेटन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था एंड ऑलमोस्ट वो मुझे सच में मार देता, बट भाई ने मुझे बचा लिया, नहीं तो यार मेरे बस 2 हार्ट थे। और मॉब से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे बेड भी नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे शीप ही नहीं स्पॉन होते। तो जैसे कि हम लोग सो नहीं सकते थे तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे अजीलिया के ट्रीज प्लांट कर दिए और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे वुड भी माइन कर लिए। सो इसके बाद मैं चला गया भाई के साथ और उसने यहाँ पे एक एंडरमैन को बोट पे कैप्चर किया था और हमने जल्दी से उसके ऊपर बजाना स्टार्ट कर दिया एंड उसको मारने के बाद हम लोग को एक एंडर पर्ल भी मिल गया। और भाई यहाँ पे एंडर पर्ल कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एंडी है जो कि हम लोग को सारे चीज़ें प्रोवाइड करेगा जैसे कि एप्पल जो कि विलेजर को क्योर करने के लिए लग सकता है। सो अभी के लिए हम लोग चले गए थोड़े बहुत माइनिंग करने के लिए क्योंकि हमें काफ़ी सारे कॉबलस्टोन चाहिए थे और कॉबलस्टोन हमें इसलिए ज़रूरत पड़ेंगे भाई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स हम लोग के बेस के अंदर आ जा रहे हैं एंड एक चीज़ है जो कि हमें बचा सकता है, हम कॉबलस्टोन के वॉल्स बना सकते हैं और पूरे बेस को उससे कवर कर सकते हैं।
तो अपना आइडिया तो परफेक्ट था और अपने पास बहुत सारे कॉबल स्टोन भी थे, तो जल्दी से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे वॉल्स बना लिए और पूरे बेस को हम लोगों ने कवर अप कर दिया। एंड अब होपफुली कोई भी मॉब हमें मारने नहीं आएगा। सो फाइनली हम लोग का पूरा बेस को कवर करना हो गया था कंप्लीट एंड अब हम लोग थोड़े बहुत सेफ फील कर रहे थे। बट अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कि अपने पास कोई भी खाने का परमानेंट सोर्स नहीं है एंड इसको ही हम लोग को चेंज करना था, जिसके लिए मैं चला गया यहाँ पे एक वीट फार्म बनाने। वैसे हम ग्लोबेरीज तो खा सकते हैं लेकिन ग्लोबेरीज ना ही तो ज़्यादा हंगर बार फुल करते ना ही ज़्यादा सैचुरेशन देते हैं। एंड अगर अपने पास वीट होगा तो हम उससे ब्रेड भी बना सकते हैं और केक भी बना सकते हैं। हाँ वो अलग बात है कि अपने पास एग नहीं है, बट हु नोज आ सकता है। सो मैं जब तक यहाँ पे पूरा फार्म बना रहा था तब तक भाई ने यहाँ पे एक स्मेल्टिंग चेम्बर बनाया जहाँ पे कैंप फायर है एंड वहाँ पे हम लोग फ्री में स्मेल्ट कर सकते हैं सारे सामान। और इसी बीच उसने एक फिशिंग रॉड भी बनाया था और बहुत देर तक फिशिंग किया एंड अपने पास काफ़ी सारे फिश भी थे, तो भाई वो भी एक अच्छा खाने का सोर्स है। सो मैंने जल्दी से सारे फिश को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड अब अपना प्लान था थोड़े बहुत माइनिंग करने का और बहुत सारे आयरन कलेक्ट करने का। एंड फाइनली सारा फिश मेल्ट होकर रेडी था और अब अपने पास एक अच्छा खाने का सोर्स था जिसके ऊपर सच में हम लोग बिलीव कर सकते हैं। मतलब हाँ यार, ग्लोबेरी कभी भी धोखा दे देता है यार। सो अपने पास जितना भी अभी खाना है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एंड हम लोग को थोड़े बहुत ब्रेड भी लगने वाले हैं, तो मैं चला गया जितने भी अपने बोन मिल है उसको लेके और थोड़े बहुत वीट ग्रो कर लिए। एंड उसी वीट से हमने अपना पहला ब्रेड बनाया और खाया। भाई मतलब इस वर्ल्ड का पहला ब्रेड है ये। एंड ऐसे ही करते करते रात हो गई थी और भाई हम लोगों ने काफ़ी देर तक सोया नहीं है, इसलिए फैंटम्स हम लोग के ऊपर अटैक किए थे एंड पूरी रात तो उनको मारने में ही निकल गया। और फिर ये सब काम फाइनली ख़त्म करने के बाद हम लोग चले गए आयरन के लिए माइनिंग करने के लिए। और सच कहो तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था क्योंकि हमें एक केव मिल गया जिसमें काफ़ी सारे आयरन, कोल एंड डायमंड्स भी थे, तो हमने जल्दी से सबको कलेक्ट कर लिया और घर वापस आ गए थे। एंड अपने पास 1 stack and 24 आयरन थे जो कि इनफ होता है और डायमंड भी 2 थे जो कि हम लोग एक यूज़ कर सकते हैं इंचाइमेंट टेबल बनाने के लिए। सो उसके बाद क्या था, हमने सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया और थोड़े बहुत वेट किया। एंड इसी बीच अपना सारा सामान जो है वो रखने के लिए चेस्ट कम पड़ रहा था, तो मैंने 2 और चेस्ट लगा दिए और भाई जल्दी हम लोग को एक घर बनाना पड़ेगा। तो भाई पूरा आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैंने जल्दी से आयरन एंड गोल्ड को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद आयरन के सारे टूल्स एंड आर्मर बना लिए। एंड इसको बनाने के बाद हमने जल्दी से उसको पहन भी लिया और इसको पहनने के बाद जो हमें अच्छा लग रहा था, मतलब यार पहले हम लोग को एक एक स्केलेटन से डरना पड़ रहा था, बट अभी हम लोग आराम से घूम सकते हैं। सो इसी बीच भाई ने एक और एंडरमैन को कैप्चर किया था, तो जल्दी से हमने उसको मार दिया और उसके बाद सारे वीट जो है वो ग्रो हो चुके थे, तो हम लोग चले गए हार्वेस्टिंग करने के लिए। एंड ऑब्वियसली हमने पूरा फार्म को रीप्लांट भी कर दिया क्योंकि भाई इतने वीट भी काफ़ी नहीं है, हम लोग को काफ़ी सारे और ब्रेड चाहिए। पर अभी के लिए तो अपने पास 16 ब्रेड थे जो कि काफ़ी होते हैं। सो इसके बाद अपना प्लान था कुछ बड़ा करने का, बट उसके लिए अपना एरिया भी तो बड़ा होना चाहिए, तो जल्दी से हमने एग्जिस्टिंग पूरे फार्म को तोड़ दिया एंड एग्जिस्टिंग वॉल को भी तोड़ दिया और थोड़ा एरिया को बड़ा कर लिया। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस था क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही पानी है एंड उसको बार बार फिल करना पड़ रहा था, बार बार हम लोग को मॉस ब्लॉक हटाने पड़ रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा अनॉइंग है। बट फाइनली पूरे एक दिन के मेहनत के बाद अपना जगह जो है वो पूरा बड़ा हो चुका था और उसके बाद हमने अपना फार्म को भी थोड़ा बड़ा कर दिया क्योंकि यार इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड जैसे कि अपना ये इकलौता फूड सोर्स है और इसको लेके हम लोग को एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है, तो हम लोग को काफ़ी बड़ा फार्म चाहिए। सो अपना एरिया तो बड़ा हो चुका था, बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो कि था एक बेड का, क्योंकि फैंटम्स हमें हमेशा परेशान करने आ जाते थे, तो हम लोग चले गए यहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइडर्स मारने के लिए और बहुत सारे स्ट्रिंग कलेक्ट कर लिए। एंड फाइनली इनफ स्ट्रिंग होने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे वुल बना लिए और फाइनली 2 बेड बना लिए। एंड फाइनली इतने दिन के बाद पूरा आयरन का आर्मर बनाने के बाद हम लोग पहली बार सोए। सो नेक्स्ट डे की सुबह को हम लोग चले गए बहुत सारे वुड कलेक्ट करने के लिए क्योंकि भाई हम लोग जल्दी एक घर बनाने वाले हैं जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा वुड लगने वाला है। एंड बहुत सारे वुड कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए यहाँ पे माइनिंग करने के लिए डायमंड्स के लिए एंड भाई एक पिकैक्स बनाने के लिए क्योंकि अपने पास एक डायमंड का पिकैक्स तक नहीं है। सो फाइनली अपने लिए एक पिकैक्स हमने जल्दी से बना लिया और थोड़ा बहुत माइनिंग को कंटिन्यू रखा। एंड फाइनली हम 12 डायमंड लेके घर आए और अपने साथ कुछ ऐसा हो गया जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। भाई को मिल गया एक ऐसा चिकन जिसके ऊपर एक जॉम्बी बैठा था, तो उसने उस जॉम्बी को मार दिया और अब अपने पास एक चिकन था, और एक चिकन होने का मतलब है कि अपने पास इनफिनाइट सोर्स ऑफ फूड हो सकता है। सो हमने जल्दी से इस चिकन को कैप्चर कर लिया और इसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे।
सो अब अपना प्लान था एक एक्सपी फार्म बनाने का, जिसके लिए हम लोग को काफी सारे ब्लॉक लग रहे थे, तो हम लोग चले गए ब्लॉक माइनिंग करने के लिए। बट उसके साथ ही साथ हम लोग को और बहुत सारे डायमंड्स भी मिल गए। एंड फाइनली हम लोग घर वापस आ गए और अपने पास एक्सपी फार्म के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स और 25 डायमंड थे। सो फाइनली हमने अपने लिए चेस्ट प्लेट बना लिया और थोड़े बहुत डायमंड और पूरा अपना आर्मरी डायमंड का हो जाएगा। तो हम लोग चले गए उसके बाद हार्वेस्ट करने के लिए अपने फार्म को, एंड देन अपने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली अपने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना हो चुका था कंप्लीट। एंड उसी के साथ ही साथ एक वांडरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा घटिया ट्रेड दे रहा था, तो मैंने उसको मार दिया। और वांडरिंग ट्रेडर के पास टाइम वेस्ट करने के बाद अपना ये एक्सपी फार्म है जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम लुक है। और अगर आप सोच रहे हो इतना ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि भाई हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से मॉब्स अपने आप नीचे गिर के मर जा रहे थे, तो हमने इसको थोड़ा और ऊँचा कर दिया। हाँ, मतलब अभी भी हम लोग माइनक्राफ्ट में बहुत बड़े नूबड़े हैं। सो यहाँ पे थोड़े बहुत मॉब्स मारने के बाद मुझे एक एग मिला था जो कि मैंने यहाँ पे फोड़ा, और भाई आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक चिकन स्पॉन हो गया था। मतलब यार अपना किस्मत बहुत ही ज़्यादा ओपी था। एंड अब लिटरली हम लोग को मिल सकता है इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड, एंड उसी के साथ ही साथ भाई को यहाँ का एक पोटैटो भी मिल गया था एक ज़ॉम्बी से। तो इसका मतलब है कि हम लोग माला माल और बहुत बड़े आदमी बन गए थे। तो इतना कुछ होने के बाद अपने अंदर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने ठाना कि अब हमें नेदर जाना चाहिए। तो हमने जल्दी से नेदर पोर्टल बनाया और उसको लाइट अप कर दिया। एंड अपने पास काफ़ी सारे गोल्ड थे, तो जल्दी से हमने उससे एक बूट बना लिया, एंड अब हम लोग फाइनली नेदर में जा सकते हैं। और भाई अगर आप हमें जानते हो तो ये भी जानते होगे कि नेदर के साथ अपना तो ख़राब रिश्ता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा सेफली जाने का, और डायरेक्टली हम लोग चले गए यहाँ पर नेदर फोर्ट्रेस लूटने के लिए। तो थोड़ी देर यहाँ पे घूमने के बाद हमें एक ब्लू फॉरेस्ट मिल गया जहाँ पे काफ़ी सारे एंडरमैन थे। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन को मारा जाए और थोड़े बहुत एंडर पल कलेक्ट किया जाए। तो हमने वही किया और बहुत देर तक काफ़ी सारे एंडरमैन को मारा। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग बहुत बार मरते मरते बचे, लेकिन यार बहुत सारे एंडर पल तो आ चुके थे अपने पास। एंड एंडर पल के साथ हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत माइसेलियम के डायरेक्ट वॉप माइसेलियम मिल चुके थे, जो कि हम लोग को फ्यूचर में काम आ सकते हैं, बट अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग थोड़े बहुत और एक्सप्लोरेशन किए, एंड फाइनली एक नेदर फोर्ट्रेस हमें मिल ही गया। सो हम लोग चले गए उसको लूटने के लिए एंड ब्लेज के साथ फाइट करने के लिए, बट वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि बार बार ब्लेज हमें मार दे रहा था, ना अपने पास फायर रेस के पोर्शन भी नहीं थे। बट यार नेदर फोर्ट्रेस में एक अच्छी बात थी कि यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट थे, एंड उसको कलेक्ट करने के बाद हम लोग को बहुत सारे डायमंड गोल्डन आयरन भी मिल गए। और फिर हमने अपना दिमाग लगाया और काफ़ी सारे ब्लेजेस को इजीली मार दिया, एंड घर वापस आ गए बहुत सारे ब्लेज रॉड एंड एंड अप पल लेके। और फाइनली इसी के साथ हम लोग विलेजेस को भी क्योर कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड भी ढूंढ सकते हैं। सो हम लोग इसके बाद डायरेक्टली घर चले गए और बहुत सारे आई ऑफ एंडर बना लिए। एंड इसी के साथ एक हम लोगों ने ब्रूइंग स्टैंड भी बना लिया, क्योंकि अब हम लोग को विलेजर्स के लिए पोशन ब्रू करना था। पर अभी हम लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने का कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि अपने पास डायमंड का आर्मर ही नहीं है, एंड विदाउट डायमंड का आर्मर हम लोग एंडर ड्रैगन को हरा ही नहीं सकते। पर उसके बाद हम लोग को एक चीज़ याद है कि अगर हम लोग को विलेजर्स क्योर करने, तो हम लोग को चाहिए गोल्डन एप्पल, एंड गोल्डन एप्पल मिलने का बस एक ही तरीका है, हमें जाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड चेस्ट लूटना पड़ेगा। तो भाई ना चाहते हुए भी हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए निकल गए, एंड एक चेस्ट को लूटने के बाद हम लोग को फाइनली 2 एप्पल मिल गए थे। और इसी के साथ ही साथ हम लोग को एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी भी मिल गया था, एंड उससे हम लोगों ने बहुत सारे बुक्स कलेक्ट कर लिए। अपना पोर्टल को भी हमने एक्टिवेट कर लिया, बट अभी हम लोग एंड डायमेंशन में नहीं जाने वाले क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली घर चले गए, एंड अपना प्लान था कि एक बार फुल्ली डायमंड आर्मर आ जाए, पूरा इंचांट हो जाए, देन ही हम लोग एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए जाएंगे। सो हमने जल्दी से इंचाइनमेंट टेबल को सेटअप कर दिया, थोड़े बहुत इंचाइनमेंट लिए, एंड मुझे मिला था एफिशिएंसी और भाई को फॉर्च्यून मिला था। वैसे फॉर्च्यून 2 मिला था बता दूं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए डायमंड्स के लिए, और बहुत सारे डायमंड मिल गए, एंड फॉर्च्यून 2 भी बहुत ज़्यादा यूजफुल था। और काफ़ी देर डायमंड माइनिंग करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे और अपने पास बहुत सारे डायमंड्स थे। तो इतने डायमंड होने के बाद हमने सारे डायमंड के आर्मर एंड टूल्स बना लिए और बहुत देर तक इंचांटमेंट की, और अपने पास तो एक बहुत ही ओपी पिकैक्स आ चुका था। पर अपना लेवल ख़त्म हो जा रहा था आर्मर को इंचांट करने के लिए, तो हम लोग को बार बार नेदर जाना पड़ रहा था, एंड बहुत देर तक इंचांटमेंट करने के बाद अपना इंचांटमेंट कम्प्लीट हो जाएगा था। एंड आर्मर में तो उतना अच्छा इंचांटमेंट अभी के लिए नहीं है,
क्योंकि अभी मैंने 1 लेवल के इंचैंटमेंट किए हैं, बट टूल्स बहुत ही ज़्यादा ओपी है। जैसे कि बो में इन्फिनिटी है, पिकैक्स सबसे ओपी है, एंड स्वॉर्ड में शार्पनेस 4 है। सो आर्मर कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने एक वीकनेस का पोशन बनाया और चले गए जॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए। और वैसे ये जॉम्बी विलेजर हमें तब मिला था जब हम आर्मर को इंचैंट कर रहे थे। एंड फाइनली अपना जॉम्बी विलेजर क्योर हो चुका था और ये हमें बहुत सस्ते ट्रेड्स देने वाला है और हम लोग इससे बहुत सारे एमरल्ड लेने वाले हैं। तो इसको हमने फ्लेचर में जल्दी से कन्वर्ट कर लिया और बहुत सारे स्टिक लेके इसके साथ ट्रेड कर ली और इसी के साथ अपने वर्ल्ड का ये पहला एमरल्ड है। सो इसके बाद हम लोग चले गए एंड में और हम लोग अब एंडर ड्रैगन को फाइनली डिफीट करने वाले थे। वैसे ये एंडर ड्रैगन डिफीट करना बहुत ज़्यादा ईजी था क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा ओपी आर्मर एंड टूल्स था जिससे हम लोगों ने ईजिली एंडर ड्रैगन को डिफीट कर लिया। एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद हमें काफ़ी सारे एक्सपीज भी मिल चुके थे और मेरा प्लान था कि ये एक्सपीज को कलेक्ट करने के बाद मैं अपना आर्मर को ओपी कर लूँगा। सो मेरे 50 के ऊपर लेवल्स हो चुके थे और भाई के भी बहुत सारे लेवल्स हो चुके थे, तो जल्दी से हम लोगों ने एग को कलेक्ट किया और घर वापस चले आए। एंड घर आने के बाद मैंने एंडर एग को प्लेस कर दिया अपने इंचैंटमेंट टेबल के ऊपर और अपने पास जितने सारे लेवल्स थे उससे मैंने सारे चीज़ों को इंचैंट कर लिया मैक्स लेवल पर। एंड फाइनली थोड़ी देर के बाद अपना पूरा आर्मर हो चुका था यहाँ पे इंचैंट और बहुत ही ज़्यादा ओपी इंचैंटमेंट मिल चुकी थी अपने को। एंड अब टाइम हो चुका था अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम घर बनाने का, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोगों ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। फाइनली अपना घर बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी और ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। और लश केव का भी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत वाइब दिया जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम है। तो अपना पहला एंट्री रूम में आप देख सकते हो अपने पास यहाँ पे बेडरूम है, चेस्ट रूम है जहाँ पे अपना सारा सामान स्टोर करते हैं, फाइनेंस रूम है। ऊपर जाते ही हम लोग को और थोड़े बहुत चेस्ट मिल जाते हैं और इंचैंटमेंट टेबल मिल जाती है और इसके ऊपर भी एक हम लोग का फ्लोर है जिसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है और थोड़े बहुत अपने पास बालकनीज भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो भाई इस घर को आप ज़रूर रेट करना कि आप 10 में से इसको कितना देना चाहोगे। भाई बहुत ही ज़्यादा ऑसम घर है यार। एंड इसी घर को बनाने के साथ ही साथ अपने 100 डेज यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत सारी प्रोग्रेस की, डायमंड का आर्मर बनाया, एक बहुत ज़्यादा ऑसम घर बनाया, एंडर ड्रैगन को डिफीट किया और ज़ीरो से अब अपने पास काफ़ी सारे चीज़ें हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ऑसम है।